राशन दो वक्त का अभियान सिवान जिला के असहाय गरीब बेसहारा लोगों के बीच उनके घरों तक राशन किट पहुंचाने का काम युवा समाज सेवी जफर अहमद पिछले एक महीने से कर रहे हैं। पहले चरण में इस मुहिम के माध्यम से 500 से 1000 लोगों के परिवारों तक राशन पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। युवा समाज सेवी जफर अहमद ने बताया कि जिन 500 परिवारों को अभी तक राशन दिया जा चुका है वो सिवान जिला और आसपास के ऐसे परिवार थे जिन्हें इस आपदा की घड़ी में सहारे की सख्त आवश्यकता है और यह अभियान उनके लिए ऐसे कठिन समय में सहारा बन के खड़ा हुआ जब उनके घरों में एक समय चूल्हा जलता था और दूसरे समय नहीं। पिछले माह 27 मार्च को हमने ये कार्यक्रम, ये अभियान, ये मुहिम स्टार्ट किया था और आपके चैनल के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी थी और बहुत सारे ऐसे मोहल्ले सिवान जिला जो आज इस तरह के हालात में, जो उनके साथ मुश्किल आन पड़ी है, रोज़मर्रा कमाने खाने वाले लोगों के लिए जो डेली एक वक्त राशन के लिए उनको आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं, ये हालात है, ये लॉकडाउन है। पहले तक जो पहला फेज था लॉकडाउन का, उस वक्त तक तो इन्हें सब्र थी, लेकिन सब्र की बांध अब टूट गई है क्योंकि लॉकडाउन ये पार्ट टू चल रहा है। लेकिन हम राशन दो वक्त का मुहिम चला के समाज में वैसे असहाय, वैसे बेसहारा लोगों का हमेशा साथ देने का आह्वान आपको देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं ऐसे समाज के लिए हमेशा सिवान जिला में खड़ा रहूँगा। राशन पहुँचा चुका है। देखिए, जब मैंने ये मुहिम शुरू करी थी, ये अभियान जब पूरे जिला स्तर पर शुरू किया था, तो हमें नहीं पता था कि मैं 10 घरों में पहुँचा पाऊँगा राशन या 20 घरों में। लेकिन जो समाज का सहयोग हमें मिला है, हर वर्ग के समाज के लोग, खासतौर से युवा पीढ़ी के लोग जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उनकी बस उन्हीं की हिम्मत अफजाई के लिए हम आज आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे नंबर अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों ने जो मेरा पहला प्लानिंग था कि हम 500 से 1000 घर में ऐसे परिवार को हम राशन दे पाएंगे, तो हमने 500 का पड़ाव पूरा कर लिया है इस मुहिम के। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये राशन दो वक्त का मुहिम, ये अभियान, ये हमारा इंडिविजुअल अभियान नहीं है, ये समाज का अभियान है। समाज का सहयोग से ये अभियान चलने वाला है और ये हमेशा चलता रहेगा सिवानवासियों के लिए।